अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैंने ना अपना शेड गिरा दिया है, अपने हाथों से गिराया है। उसकी वजह यह थी कि मैंने आपको बताया था ना कि मैंने जुगाड़ लगाया है सारा, तो वो जुगाड़ जो है ना मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया था, क्योंकि कल जब मैं इनको ना ऊपर टीआर के ऊपर टाइल रख रहा था ना स्टेप बाय स्टेप, तो जब मैंने तकरीबन 30 टाइल्स ऊपर रखी है ना टीआर के ऊपर, मतलब स्टेप बाय स्टेप जोड़ के लाया हूँ, तो टीआर ना आहिस्ता आहिस्ता ना डाउन होना शुरू हो गया, तो मेरे दिल में डर पड़ गया। मैंने कहा ये ना कि कल को मैं नीचे अपने बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और ये ना कि ऊपर से जो है ना ये छत मेरे सर के ऊपर आके गिरे, तो मैंने फिर जो है ना सारा रिमूव कर दिया। तो अगेन आज और मौसम भी बड़ा ख़राब हो गया, ये आप देख सकते हैं, फिर से जो है ना बारिश का सीन हो गया और बारिश भी काफ़ी धड़ल्ला धड़ल हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें पानी जमा हुआ हुआ है, और ये मैंने हटा दिया था सारा सिस्टम इसका, ये टाइल्स वगैरह पड़ी हैं, ये टी आर वगैरह मैंने रख दिए इधर सारे, तो ये आप देख सकते हैं इधर कीचड़ भी बहुत बना हुआ है, ये देखें फ्रेंड्स। तो अभी आपका भाई करेगा यहाँ पे इसके साथ, ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं ना इसके साथ बिल्कुल इसके बराबर एक दीवार बनाएगा, एक ब्लॉक की खड़ी करेगा दीवार, और ये जो गार्डर आप देख रहे हैं इस गार्डर को फिर ऐसे सीधा बिल्कुल लाइन पे लाऊंगा ऐसे करके, और फिर एक गार्डर उधर मिड में आएगा वो भी ऐसे करके, और यहाँ पे मैं एक इस जगह पे पिलर बनाऊंगा वो बना के, तो फिर इस शेड का मैं मज़बूती से काम करूंगा। और वो जो दीवार है उधर ब्लॉक जो रखे थे वो मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि दूसरी साइड दूसरों की दीवार है, वो मैंने हटा दिए ब्लॉक्स, उस जगह पर मैं अभी वो छोटे वाले जो ब्लॉक पड़े हैं ना वो वाले ब्लॉक मैं इधर लगाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप लगा के इसको इसके लेवल पे लाऊंगा, हाइट इतनी हाइट करूंगा उसके साथ, फिर उसके ऊपर टीआर लगा के और टाइल्स जोड़ूंगा। तो ये तो काम अभी फ्रेंड बारिश होगी तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉप कर दिया मैंने, क्योंकि कीचड़ बहुत है और इस जगह पे मैंने वो बनाना है अपना पिलर बनाना है। तो अभी सबसे पहले आप अपने चिक्स को निकालते हैं, और चिक्स की भी मैं सोच रहा हूँ कि किस जगह पर उनको फीड डालें, क्योंकि सारी जगह सारा एरिया आप देख रहे हैं कि बारिश हुई है तो पानी वगैरह खड़ा हुआ है। अभी मेरा दिल है कि मैं ना जिसमें ये गाय वगैरह को चारा डालते हैं ना, ओहो इसके अंदर भी पानी है, तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैं चूज़ों का डालता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसका पानी निकालूंगा इसके ज़रिए, ये सारा पानी निकाल के, तो उसके बाद जो है चूज़े यहाँ लेके आऊँगा उनको फीड डालूँगा। देखें फ्रेंड्स सारा पानी है गंदा हुआ है। फ्रेंड्स आज के दिन में तो ये मुश्किल है ये पानी खुश्क हो। तो फ्रेंड्स मैंने ये पानी निकाल दिया सारा, ये देख सकते हैं आप सारा का सारा पानी निकल गया यहाँ से, ये सुराख देख रहे हैं, इस सुराख को मैंने ऐसे लकड़ी के साथ जो है ना साफ़ की जगह मट्टी हट गई है, तो वो सारा जो है ना पानी अब इसके ज़रिए निकल गया नीचे। अभी मैं यहाँ पे अपने चिक्स को जो है ना निकल ले के आता हूँ और फिर डालता हूँ, और बेचारे कब से जो है ना टेंटें लगाई, तो अभी जाके फ्रेंड्स चिक्स निकालते हैं, उनको मैंने इधर रखा हुआ है इस जगह पर, आ जाओ। तो फ्रेंड ये दो दो करके लेके जाऊंगा, ये तो चलिए इनको लेके जाते हैं बाहर। ओए होए फ्रेंड बहुत कीचड़ बना हुआ है, ये देखें मेरी जूती भी गंदी हो गई, चलो मेरे चिक्स इधर एंजॉय करो। अभी ये सबसे पहले जो थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा है ना इसमें ये वो पियेंगे, ये बहुत नमूने है, ये अभी वो देखें जा रहा है पानी की साइड में। तो अभी जाते हैं दूसरे चिक्स लेके आते हैं, बड़े ढीठ हो गए अब आते ही नहीं बुलाने पे, खुद जाना पड़ेगा। तो ये गाय मारती भी है, ये गाय मारती भी है, ये देखें बहुत कमीनी है ये, इसका कोई भरोसा नहीं है, तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है, तो इससे बच के दूसरी साइड पे जाता हूँ। ये देखें अभी भी ये वो जो है ना बाल खा रही है,
मैं मारूंगा अगर मेरे नज़दीक आई तो। फ्रेंड्स पकड़ते हैं और जल्दी जहाँ से रफू चक्कर होते हैं, ये ना हो कि मेरा इधर ही कबाड़ा बन जाए। तो इस तरह लेके जाते जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलो 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 चलो, पहुँच गया पहुँच गया पहुँच गया, चलो इंजॉय करो आप। तो फ्रेंड्स अभी अब ये देखें फ्रेंड्स, पड़ोसियों का मुर्गा हमारे छत पे चढ़ा है, वो गया। तो अभी इनको मैं फीड डालता हूँ, फीड लाता हूँ। ये हमारी रोमा खड़ी है। रोमा क्या कर रही हो? रोमा क्या हुआ, सर्दी लग रही है? अंदर बांध दूँ? हैं अंदर बांध दूँ, सर्दी लग रही है तो? रोमा, ये हमारी रोमा बेचारी, ये हर वक्त सैड सैड ही रहती है, फिर पता नहीं इसको क्या हुआ है। तो अभी फीड लाते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड ये मैं ले आया हूँ इनके लिए बाजरा, तो अभी इनको डालते हैं। चलो चलो मेरे फ्रेंड्स, एंजॉय योर लाइफ, शाबाश। तो ये इनके लिए इनफ है। तो वो गंजे वाले, मैं गंजे वाले चिक्स जो है ना, उनको मैं भी नहीं निकाल रहा, क्योंकि वो बहुत गंद करते हैं और उनके पीछे भागने की अभी हिम्मत नहीं, क्योंकि अभी सारा आप देख रहे हैं डेरे की जो ज़मीन है सारा पानी से भरी हुई है। तो अभी उनके पीछे भागने की हिम्मत नहीं है, उनको मैं कोई और तरीका करता हूँ, या तो उनके उधर ही केज में डाल देता हूँ फीड पानी और फिर रख देता हूँ, या फिर उनको थोड़ा सा वेट करता हूँ, अभी मौसम थोड़ा हो तो रहा है, कुछ सेट हो रहा है। तो पहले सबसे पहले इनके साथ जो है ना बैठते, क्योंकि चील वगैरह का भी खतरा होता है ना, तो इनको जो है ना वो सिक्योरिटी देनी पड़ती है, पास बैठ के खिलाना। तो ये माशाल्लाह से फ्रेंड्स अभी सही इंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो है ना थोड़ा सा पानी वगैरह खुश्क होता है ना इस जगह का, तो फिर आपका भाई जो है ना ये सारा शेड का छत जो है ना दोबारा बनाऊंगा। अभी मसाला भी बनाना है, सीमेंट और रेत में दोबारा लेके आया था, वो सारा मसाला बना के तो फिर इसके ऊपर जो है ना वो दूसरा पिलर बना के फिर छत बनाऊँगा इंशाल्लाह। अभी तो ये ज़्यादा सारा यहाँ पर पानी जमा हुआ है, इस पानी का भी कोई बंदोबस्त करना है, ये पानी निकालना पड़ेगा मोटर के ज़रिए, थोड़ा बहुत है ये निकाल के सब्ज़ी को दे दूंगा पानी, ये जगह खुश्क हो जाएगी। लेकिन आज का दिन मुश्किल ही लग रहा है कि ये शेड को जो है ना मैं बना पाऊँगा, क्योंकि तो काफ़ी जगह नीचे कच्ची और जिधर पिलर बनाना है वो जगह भी कच्ची है, मैं आपको दिखाता हूँ ना, वहाँ पे भी पानी खड़ा हुआ है। तो ये देखें फ्रेंड्स, इस जगह पर मैंने पिलर की दीवार बनानी है, यहाँ पर मतलब पिलर जो है ना ब्लॉक रख के लाना है ऊपर, तो ये जगह पर पानी है, तो अभी इस जगह पर अगर मैंने ज़्यादा मतलब ऊपर बर्डन डाला तो ये बैठ जाएगी जगह और पिलर गिर जाएगा, तो उसका भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो अभी जो है रेस्ट करते हैं आज के दिन, फिर वेट करते हैं धूप का, धूप निकलेगी जगह खुश्क होगी तो फिर मैं अपना काम जो है ना तसल्ली से करूँगा। तो फ्रेंड्स ये है मेरी प्यारी सी भांजी असलेहान खान। असलेहान आए करो, आए करो। तो फ्रेंड्स अभी हम असलेहान और मैं मिलके अपनी रूमा को अंदर बांधेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, खोलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने रूमा को छोड़ लिया है, तो चलिए इसको अंदर लेके चलते हैं। रूमा चलो अंदर, शाबाश बाहर ठंड है, आ जाओ 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 आ जाओ, शाबाश गुड, चलो शाबाश, आगे चलो आगे चलो आगे 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 आ जाओ आगे आ जाओ रूमा आगे आ जाओ, बस चलो। तो फ्रेंड्स अभी हमने रोमा को अंदर बंद कर दिया है। तो अभी मैं और असलेहान जो है ना इंजॉय करेंगे। तो असलेहान बाय बाय करो, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।